गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन एंड आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ स्काई इंटरनेशनल स्कूल. चिल्ड्रेन, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर एंड इन दैट हाफ ऑफ द पोर्शन वी हैव सीन दैट इन दिस स्टोरी देर वर टू चिल्ड्रेन. द नेम ऑफ द बॉय वॉज टॉमी एंड द गर्ल इज एनिका. दे वेंट टू देयर ग्रैंड मदर्स होम एंड दे वर नॉट नोइंग दैट इन दोज टाइम ओनली समवन come to her neighborhood to stay. When they came back, they have seen that a remarkable girl came in their neighborhood. She was very unusual. She wears very unusual clothes. She was different kind of personality. And she was also having a baby monkey. And it dressed in blue pant and a yellow jacket and a white straw. Okay, students, this much we have completed yesterday. Now, the remaining part we will complete today. So now, same like yesterday only, all of you take pencils in your hand and underline the hard words which I am going to tell you to underline. Okay, children? Now, let's start. The children looked at each other in silence. बच्चे शांति से एक दूसरे को देखने लगते हैं. At last, Tommy spoke. Last में Tommy कहता है, Why did you walk backward? तुम उल्टा क्यों चल रही हो? Why did I walk backward? Said Pippi. Pippi कहती है कि मैं उल्टा क्यों चल रही हूँ? Is not this a free country? क्या ये एक आजाद देश नहीं है? Cannot a person walk any way she wants to? क्या कोई आदमी जैसा चाहे या कोई औरत जैसा चाहे वो वैसे नहीं चल सकता है? Let me tell you, मुझे बताने दो, that in Egypt everybody walks that way. मैं आपसे बता दूं कि इजिप्ट में हर आदमी ऐसे ही चलता है. And nobody thinks it's the least bit strange. और किसी को भी ये थोड़ा भी अद्भुत नहीं लगता है. How do you know? Asked Tommy. Tommy ने पूछा, आपको कैसे पता? You have never been to Egypt, have you? क्या आप Egypt, आपने कभी Egypt गई हैं, नहीं गई हैं कि गई हैं? I have never been to Egypt. Indeed, I have. मैं कभी Egypt नहीं गई हूँ. वास्तव में मैं गई हूँ. That's one thing you can be sure of. आपको एक चीज़ के लिए श्योर होना चाहिए कि मैं गई हूँ. I have been all over the world and seen many things strange. मैं जो है पूरी दुनिया का मैंने जो सैर किया है, मैं पूरी दुनिया में घूम चुकी हूँ. और सी मैनी थिंग्स स्ट्रेंज, और मैंने बहुत सी अद्भुत चीज़ें देखी हैं. देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड्स, इससे भी अद्भुत देखी हैं कि लोग उल्टा चलते हैं. इससे भी ज़्यादा अद्भुत चीज़ें मैंने दुनिया में देखी हैं. आई वंडर वॉट यू वुड हैव सेड इफ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन द फारदेस्ट इंडिया. अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं अपने हाथों पे चल के आऊँ तो आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, जैसा कि लोग दूर के भारत देश में करते हैं. नाव यू मस्ट बी लाइंग, सेड टॉमी. टॉमी ने कहा कि आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं. पीपी थॉट अ मोमेंट, पीपी जो है वो क्षण भर के लिए सोचती है, थोड़े से टाइम के लिए. यू आर राइट, सी सेड सैडली, आई एम लाइंग. वो थोड़ा सा दुखी होती है और कहती है, तुम सही बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रही हूँ. चिल्ड्रन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13. And this is the last page of this chapter. It is wicked to lie, said Anika. Anika, who had at last gathered up enough courage to speak, जिसने बहुत मुश्किल से, बहुत देरी से साहस इकट्ठा करके रखा था, उसने कहा कि झूठ बोलना ये एक बदमाशी है. It's a wicked to lie. ये एक बदमाशी है, ये अच्छी बात नहीं है. Wicked मतलब दुष्ट होता है बच्चों. Yes. इट्स अ वेरी बिग टू लाई, हाँ ये खराब बात है, झूठ बोलना खराब बात है. सेट पीपी, पीपी ने कहा कि झूठ बोलना खराब बात है. इवन मोर सैडली, और दुखी होकर उसने कहा कि हाँ झूठ बोलना खराब बात है. बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन, मैं लेकिन मैं रह रह के ये बात भूल जाती हूँ कि झूठ बोलना खराब बात है. एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ वेन माई मदर इज एन एंजल एंड माई फादर इज अ किंग ऑफ कैनिबल आईलैंड. आप मेरी जैसी लड़की से हमेशा ये कैसा उम्मीद कर सकती हैं कि वो सच ही बोलेगी जिसकी मामा एक एंजल है और जो फादर हैं वो कैनिबल आइलैंड के किंग हैं. एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशियन ऑल माई लाइफ, ओशियन ऑल माई लाइफ. और जिसने अपनी ज़िंदगी जो है, सारी ज़िंदगी जो है वो ओशियन में सैर करते हुए गुजारी है. देन पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड, तब पीपी जो है वो मुस्कुराती है और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, एंड लेट मी टेल यू, मुझे ये बात बताने दो, दैट कि इन द कॉन्गो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ. कॉन्गो में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो सच बोलता होगा. दे लाई ऑल डे लॉन्ग, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं. बिगिन एट 7 इन मॉर्निंग एंड कीप ऑन
अंटिल सनडाउन, वे सुबह से 7 o'clock से झूठ बोलना शुरू करते हैं और जब तक दिन ढल नहीं जाता शाम तक झूठ बोलते हैं. सो इफ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज मी एंड देन टू रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली बिकॉज आई स्टेड इन द कॉन्गो अ लिटिल टू लॉन्ग. अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे रोक दीजिएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और सिर्फ ये याद रखिएगा कि मैं झूठ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक कॉन्गो में रही हूँ, अपने टाइम मैंने वहाँ स्पेंड किया है जहाँ पे लोग बहुत झूठ बोलते हैं. वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे, के नॉट वी, पीपी कहती है क्या हम दोस्त बन सकते हैं. ओ श्योर, सेड टॉमी. टॉमी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल. एंड रियलाइज सडनली, और अचानक उसे ये महसूस होता है दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज. और बच्चे फिर ये फील करते हैं कि ये हमेशा की तरह एक डल डेज होने वाला नहीं है. बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आस्क पीपी. पीपी कहती है कि आप हमारे साथ चलेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे. वाई नॉट, सेड टॉमी. टॉमी कहता है क्यों नहीं, कम ऑन, लेट्स गो, चलो चलते हैं, आओ चलते हैं. ओ यस लेट्स, सेड एनिका. एनिका ने भी कहा हाँ हाँ चलो चलते हैं, बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन. बट पीपी कहती है, सेड पीपी. पीपी तभी कहती है कि एक मिनट रुकिए और मुझे किसी से आपको इंट्रोड्यूस कराने दीजिए, परिचय कराने दीजिए. एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोट पोलाइटली, उसके कंधे पे जो बंदर बैठा रहता है वो अपना टोपी निकालता है और बड़ी ही पोलाइटली वे से खुद को बेंड करके, वेल जैसे एक शो करता है गेस्चर पे अपने, ठीक है. और ये जो नेल्सन, हु इज नेल्सन, नेल्सन इज द नेम ऑफ द मंकी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक पेंसिल्स इन योर हैंड एंड अंडरलाइन सम वर्ड्स लाइक साइलेंस, शांत होके, इजिप्ट इट्स द नेम ऑफ अ कंट्री, मिश्र फारेस्ट दूर दूर, मोमेंट क्षण, विक्ड मैंने बताया बदमाश दुष्ट, गैदर्ड इकट्ठा होना, करेज साहस, फॉगेट भूल जाना, एक्सक्यूज मी मतलब रोक देना, एक्सक्यूज करना किसी को, ठीक है, रिमेंबर याद करना, रियलाइज महसूस होना सडनली अचानक, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, इंट्रोड्यूस करना परिचय देना किसी का, बोर्ड मीन्स झुकना, पोलाइटली मीन्स नम्रता से. ओके चिल्ड्रेन, Now the chapter is completed. If anyone is having any problem, then you can again go through the video, and this video is already uploaded on the YouTube. Whenever you want, you can revise it. आप जब चाहें इसको YouTube पे जाके revise कर सकते हैं. Students, this chapter is over. Now I will send you PDF of the written part. Okay, so all of you stay home and stay safe. Thank you.